आज गाइस मैं आपको दिखाऊंगा 360 कार्स कैसे रिपेयर करते हैं। खैर हालत तो बहुत ख़राब है, सारी टूट रखी हैं और मेरे पास दो कार्स हैं तो दो की एक कर लेते हैं अभी फिलहाल। और कुछ क्वारीज आई थी मेरी पिछली वीडियोस में कि मेरे लास्ट वाले जो व्हील्स हैं वो ठीक से नहीं चल रहे, किसी का रिप्लाई था। तो उसमें देखो, एक तो ये रॉड होती है, अगर ये रॉड आपकी स्विंग हो गई है तो ये आपकी 360 कार में नहीं चलेगी। ये देखिए, तो फिर ये 360 कार में नहीं चलेगी। 360 कार दो तरह के मॉडल्स में आती है, एक थोड़ी सी छोटे साइज की होती है, मेरे पास दोनों बड़े साइज की हैं, और इनको व्हील्स को रोकने के लिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर के वो लगे होते हैं। अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तब तक व्हील का जो है एक ये गियर सिस्टम होता है, ये देखिए, और इसमें सबसे बड़े ये दो नक्के होते हैं, एक नक्का ये, एक नक्का ये। अगर आप आपके पीछे व्हील्स में कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं मूव हो रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इसके अंदर मोटर फिक्स है, मोटर यहाँ से फिक्स होती है अंदर, जो आप खोलेंगे आपको समझ आ जाएगा। प्लस इन दोनों नक्कों में देखिए स्क्रू लगे हुए हैं, अगर नहीं लगे हुए तो किसी तरीके से कोई प्लास्टिक की यहाँ पे जोड़ के एल्फी से, एरल्डाइट से, एम सील से, जो भी आपको ठीक लगे, जैसे भी आप हार्ड बनाना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे दो स्क्रू लगे होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये स्क्रू लगे रहेंगे तो आपका ये व्हील चलता रहेगा। तो ये देखिए, ये बैलेंस एकदम ओके होना चाहिए। अगर आपकी रॉड ट्विस्ट हो गई है तो इसका व्हील निकाल लीजिए और इसकी रॉड को सीधा कर लीजिए, इसको निकालने की कोशिश मत करिएगा, आपको पूरी डिब्बी खोलनी पड़ेगी और फिर लगाने में आपको दिक्कत रहेगी, क्योंकि अंदर इसके गियर्स होते हैं। मैंने पहले खोली थी ये, तो मेरे से बहुत मुश्किल हुई थी लगने में, हालांकि लग गई थी, पर फिर भी। अब ये देखिए, इनमें ये दो नक्के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वाले, ये पिछले व्हील्स की पूरी असेंबली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे, ये दो नक्के ही होते हैं जो व्हील्स को इस पे दबा के रखते हैं, और एक ही एक्सल रॉड होती है। अगर ये स्ट्रेट रहेगी पूरी तो आपके व्हील बहुत स्मूथली चलेंगे। तो आप एक बार देख लीजिए, रॉड, नक्के और इसके अंदर जो मोटर फिक्स है वो। तब तक आगे कुछ देखते हैं गाड़ी में और मैं आपको ये लगा के भी दिखा दूंगा, ठीक है। और गाइस, एक ने बताया था कि एक के आगे वाले व्हील्स नहीं घूमते हैं और मेरे रखने पे ये बहुत फ्रीली घूम रहा है, तो देखिए ये वाला आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला यहाँ मोटर लगी होती है, उससे कनेक्ट होते हैं, तो ये वाले जो होते हैं इनके प्रॉपर ही रहेंगे। अगर ये फ्री घूम रहा है तो ये मैं समझिए कि आपकी मोटर ख़राब है या इसके अंदर कोई गेट टूट गया। ये जनरली टूटता नहीं है, मैंने ये खोला हुआ है, बहुत अच्छे से देखा हुआ है, इसमें भी गियर्स होते हैं लेकिन बहुत अच्छे से फिक्स रहते हैं, आपको इसको खोलने ज़रूरत नहीं है। और ये अगर आप फ्री घूम रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चलेगी नहीं, आप रिमोट से इसको कनेक्ट करेंगे ये ज़रूर चलेगी। मैं अपने ये मेरे पास दो पड़ी हैं, मैं दो की अभी एक करके एक ठीक करूँगा और उसके बाद मैं आपको इसका जो बेसिकली सबकी रिकमेंड होती है कि इसका रिमोट काम नहीं करता है, तो मैं उसका भी आपको ट्रबल शूट करके बताऊंगा कि आप इसमें रिमोट कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, तो मैं कुछ दोनों गाड़ियां ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ। उससे पहले गाइस, ओपन करने से पहले एक ये लास्ट में जो ये ऊपर एक व्हील्स लगे होते हैं, अगर ये टूट जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये 360 तभी भी इसका काम करेगा। आप कोका कोला कैन के दो ढक्कन ले लीजिए और इस पर गर्म करके या एल्फी से चिपका लीजिए, बस आपको एक रॉड चाहिए और कुछ भी नहीं। मेरे पास एक गाड़ी है जिसका ये ही टूट गया है, लेकिन तब भी ये हम चलाते रहे थे और ये काम कर रही थी, कोई इशू नहीं था। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं इसको बोतल गर्म करके यहाँ बोतल पूरी फिक्स कर सकता था, बोतल में रॉड डाल के कर सकता था, कुछ टॉयज में से एक आयरन रॉड्स मिल जाती हैं पतली, वो लगा के आप इसको ठीक कर सकते हैं। कोका कोला के दो ढक्कन लगा के यहाँ व्हील्स लगा सकते हैं, वो तब भी काम करेगा, कोई इशू नहीं है। बस अब गाड़ी ओपन करना शुरू करते हैं। मैंने तीनों व्हील्स का बता दिया, फ्रंट के, लास्ट के और इसके, दोनों में मोटरें होती हैं अलग अलग। इस मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट करके आप देख सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए या तो आप पावर बैंक में एक USB पोर्ट लगा लीजिए इस तरह से, और इसकी दो तारें काट लीजिए
ये यूएसबी पोर्ट लग जाएगा आपका पावर बैंक में, उसमें डायरेक्टली शॉर्ट करके आप चला सकते हैं। ये जिनके वो मल्टीमीटर नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा, ये आपके पास ऐसी रिचार्जेबल बैटरी होंगी जो मच्छर मारने वाले रैकेट में आपको जनरली मिल जाती हैं, तो वो निकाल के भी आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। ये भी नहीं है तो आप एक मोबाइल का चार्जर ले लीजिए, काट लीजिए, जो आपके पास स्पेयर पड़ा हो पुराना नोकिया के फोन्स का, हालांकि सबके पास नोकिया फोन्स होंगे पुराने, उसके चार्जर मिल जाएंगे, उनके चार्जर से आप दोनों की मोटर टच करके एक बार टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसका आपको पूरा सर्किटरी डायग्राम दिखाऊंगा दोनों ओपन करके। सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन क्या करें, चीजें मैं बहुत सारी बता रहा हूँ इसमें। ओके, तो ये गाड़ी खोलने बहुत आसान है। इसमें चार स्क्रू होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। बस ये ओपन करेंगे, इसका मैं पूरा सर्किटरी आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। इसमें सारे बल्ब्स लगे हुए हैं और ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये भी अलग से लगा होता है इस पे, तो ये भी खुल जाता है। फिलहाल आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, उसका सर्किट वगैरह ये देखिए, ये इसका सर्किट है। यहाँ से LEDs की लाइट जा रही है, बाकी सारे कनेक्शन इधर हैं। एक मोटर सर्किटरी इसके अंदर है। अब आपको ये पिन खोलना पड़ेगा, आपको नीचे की वायर्स दिख जाएंगी डायरेक्टली शॉर्ट करके मोटर चलाने के लिए। इसको थोड़ा बाहर की तरफ लटकाइएगा क्योंकि ये ऐसे घूमती है। और ये वाली मोटर जो मैंने आपको दिखाया था पिछली प्रीवियस व्हील्स में, ये देखिए ये पड़ी हुई है। तो इसके अंदर बस मोटर गई होती है और ये भी आपको मैं दिखाऊंगा निकाल के। और ये देखिए गाइस, जैसे अब इसमें व्हील्स नहीं चल रहा था, उसका इशू था, ये इसमें पेच यहाँ नक्के पे लगा हुआ है, यहाँ नक्के के नीचे चला गया है, ठीक है। तो इससे टायर्स ऊपर नीचे फ्लफ करते थे। तो कई गाड़ियाँ होती हैं जिनमें ये ब्लैक कलर के रोकने के लिए नहीं होते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो यहाँ लगे होते हैं लाइट्स में, ये लाइट्स यहाँ जाके इसके लास्ट व्हील में ठहर जाती हैं और ये व्हील्स भी थोड़ा सा प्रेशर झेल लेता है। कई गाड़ियों में जैसे मैं दिखाता हूँ, इस तरह से ब्रैकेट होता है पूरा दोनों साइड, तो इसको रोकने के लिए एक प्लास्टिक का स्क्वायर कलर का बना होता है जो यहाँ पूरा लगता है। ये होंगी दो गाड़ी, अगर आपके पास दो निकलने वाले ब्लैक हैं तो मैं यही कहूँगा कि उनको संभाल के रखिए, और जब आप गाड़ी ठीक कर रहे हैं तो लास्ट में उसको एल्फी से लगा लीजिए। दे ध्यान से उसकी रॉड पे नहीं लगनी चाहिए एल्फी, एल्फी का बहुत ध्यान से यूज़ कीजिए, बहुत कम एल्फी लीजिए। मैं हमेशा गाइड करता हूँ कि एल्फी लगाने के लिए आप एक सेफ्टी पिन का यूज़ करिए, ये बेस्ट रहता है, इससे ज़्यादा एल्फी नहीं लगेगी। आप कहीं गिरा लीजिए ₹1 के सिक्के पे और एल्फी लगाइए, वो आपका बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका पहले ये व्हील्स मैं ठीक कर लेता हूँ और यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट करके भी आपको दिखा के दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने इसमें से मोटर डिटैच कर ली है, ये होता है मेन जो गियर इसके अंदर गया होता है डायरेक्टली, दैट्स इट। बाकी सारा सिस्टम इसके अंदर होता है, आप इस डब्बी को मत खोलिए, सारे गियर्स ठीक लगे होंगे, नहीं हिलेगी। बस ये मोटर है और ये मोटर इसमें लगा के ऐसे चलती है। अब मैं चाहे ये व्हील्स भी लगा सकता हूँ, मेरे पास एक स्पेयर पड़ा है, इसके दोनों नक्के हैं, उसके नक्के मैंने एक्चुअली पहले भी रिपेयर किए थे, तो मैं ये वाला उससे रिप्लेस कर लूँगा, तो रिप्लेस करके मैं लगाता हूँ। तो गाइस ये मोटर शॉर्ट करके देख लेते हैं एक बार डायरेक्टली इस पे ये चल रही है कि नहीं। ये मैंने पावर बैंक से लगा लिया है, ओके, तो ये मोटर चल रही है, व्हील्स काम कर रहे हैं। अब आगे वाली मोटर भी इसको खोल के शॉर्ट करके मैं दिखा देता हूँ। तो हमारे पीछे वाले व्हील्स के मैंने दोनों स्क्रूज लगा लिए हैं और ये एक्चुअली मैंने रबड़ निकाला था, ये थोड़ा आउट ऑफ शेप हो गया था, इसको निकाल के आप बस थोड़ा सा हाथ से इसको दबा के ठीक कर सकते हैं। तो एक बार व्हील्स का भी रिव्यू हो गया है, इसमें से बस अब चढ़ाना है, इसको चढ़ा लेते हैं और फिर मैं आपको ये वाला हमारा रेडी हो जाएगा पीछे का व्हील, फिर आगे वाले व्हील्स पे आएंगे। तो इसके नीचे वाली आपको सारा दिखा रहा हूँ मैं, फ्रंट व्हील के एक्सल का मैं दिखाया था आपको। इसमें ये टायर में थोड़ी प्ले होती है ताकि ये घूमते रहें, और इसमें कोई मोटर नहीं होती इसके अंदर गाइस, इसके अंदर मोटर होती है, आउटर में कोई मोटर नहीं होती, आउटर में सिर्फ एक गियर होता है जो इसके लिए ये पूरा पार्ट घूमता है, दैट्स इट।
तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैं इसको ध्यान से ये वायर्स निकाल लूंगा, सिर्फ एलईडी सिस्टम है। तो मैंने ये पार्ट अलग कर लिया है, ऊपर वाला हिस्सा। अभी इसका ऊपर का प्लास्टिक कैसे चेंज करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। और एलईडी सिस्टम अब देख लीजिए सारा वायरिंग। ये वाली जो मैं स्लो मोशन दिखाता हूँ सारे सर्किट में, आपको मैं वायरिंग के लिए दिखाता हूँ। सपोज कि देखिए, खोलते हुए या कुछ करते हुए कोई वायर टूट जाती है, उनको समझ नहीं आती, तो ये तरीका है उनको समझाने का कि आप वायर दोबारा से सोल्व कर सकते हैं। आप इसमें पॉज करके लगा सकते हैं। और अब आप ये देखिए, इस सर्किट के ऊपर ही आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे एलईडी प्लस लिखा है, एलईडी माइनस लिखा है, ठीक है जी। और इसमें एंटेना भी ये लगा हुआ है, ये देखिए एंटेना ये दूसरी साइड से सोल्ड हुआ हुआ है, ये इसकी वाइट वायर जा रही है। तो ये तो हो गया रिमोट के उसके लिए, कभी कल को किसी की टूट जाती है कुछ है तो वो इसके ऊपर से भी कर सकता है सोल्ड, जहाँ एंटीना होता है, या इसी तरह से बैक साइड से भी कर सकता है। ये स्क्रूज ओपन कर लिए। अब इसके नीचे का ये देखिए, ये इसमें ऑन ऑफ का स्विच है, ये इसमें एक चार्जिंग का जैक है, और एक ये एंटीना के सेटिंग का लगा हुआ है, जिसको मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसको कुछ सेटिंग करके कुछ खराब करें, क्योंकि आपका रिमोट फिर काम नहीं करेगा। मैं रिमोट की इसकी अलग से एक वीडियो बनाना चाहूँगा, तो रिमोट के लिए भी ये एंटीना इसमें यूज़ होता है। और हमारी सारी वायरिंग ठीक लगी हुई है, एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ येलो एंड वाइट वायर कहाँ जा रही है। आप पॉज करके दोस्तों देख सकते हैं, अगर आपको वेल्डिंग करनी है, ये आपकी निकल गई है। और ये जो ब्राउन वायर देख रहे हैं, ये हो गया हमारा स्पीकर कनेक्शन। तो ये स्पीकर आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, ये हमारा स्पीकर है। अगर ख़राब हो जाए तो आप किसी टॉय में से निकाल के इसमें वेल्ड कर सकते हैं, तो स्पीकर बिल्कुल ठीक है, वापस लगा देंगे उसी जगह पे। और एक बार मैं दोबारा से ये वाली मोटर भी चेक कर लूँगा लगा के। तो थोड़ा सा हवा में कर लेते हैं। काम कर रहा है, वो टच नहीं हो रही है, वैसे काम कर रहा है। ओके, तो ये हमारी ठीक है 360 मोटर और हमारी आईसी वगैरह भी ठीक है, इसमें सब कुछ बेल्ट वगैरह और रखे हैं। बस इसको हम पैक कर लेंगे। ज़रूर है आप इसमें से आपको ये मोटर निकालनी है, तो आपको ये पिंस खोल के ही मोटर आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। और ये देखिए, ये मोटर का पूरा वो है बॉक्स, ये पूरा गियर बॉक्स है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दो स्क्रू निकाल के निकालेंगे, इसमें भी उसी तरीके से एक जैक लगा होता है। तो ये हो गए सारे व्हील्स के इशू का डायग्राम, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ सारा आईसी बोर्ड का। ये देख लीजिए, काफ़ी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, प्रिंट हुई हुई है। और ये ब्राउन वायर्स यहाँ लगी होती हैं, एस पी कहते हैं इसको, स्पीकर। रेड वायर हो गई हमारी VCC, ये हमारी पावर के लिए हो गई है। ग्राउंड की वायर निकली हुई है, बटन लगा हुआ है तीन पिंस के साथ। येलो वाइट वायर मोटर की हो गई है, इसमें ग्रीन और ब्लू आ रही है वायर, ये देखिए ग्रीन और ब्लू भी मोटर की हो गई है। मोटर कहाँ लगी है ये देख लीजिए। तो आपका कल को कभी जॉइंट खुल जाए या कुछ हो जाए तो आपको आसानी रहेगी लगाने में।
चार्जिंग पिन अगर चेक हो जाए चेंज, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, दूसरा लगा सकते हैं, मेल फीमेल जैक आराम से मिल जाता है मार्केट में। तो इसको पैक करते हैं और बस ऊपर काम है, फिर आपको इसका बॉडी का दिखाऊंगा। ये हमारी एलईडी की जो दो हैं ये हम इसके अंदर वापस सोल्जर कर लेंगे और फिर आते हैं इसके हेड के ऊपर, इसका हेड कैसे रिप्लेस करके ठीक करेंगे। तो चलिए गाइस, ये मेरे स्क्रू सारे लग गए हैं इस पे, ये गाड़ी रेडी हो गई है। अब इसको रख के अब आते हैं इस पे। अब इसका ये प्लास्टिक वाला ढक्कन हम एक पुरानी कार के प्लास्टिक में से रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ तक ठीक है और इसके आगे बस व्हील्स लगा देंगे। मैं कोका कोला के ढक्कन उल्टे करके आप हॉट ग्लू गन से लगा सकते हैं, आपका वही काम करेगा। और इसका सेम होना चाहिए, नहीं हो तो आप इस पर एल्फी लगा के टाइट वाइट कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ऊपर वाले प्लास्टिक खोलने के लिए आपको ये नीचे स्क्रूज दिख रहे होंगे, तीन, एक दो और तीन। और ये जो आप होल देख रहे हैं इसके अंदर ये एंटीना की वायर जाती है, जो इस वाइट सिग्नल के अंदर भी आपको नज़र आ रही होगी, ये हमारी एंटीना वायर होती है। स्क्रूज ओपन कर दिए हैं और ये इसका प्लास्टिक रिमूव हो गया है, बस रेड वाले का उतार के बस यहाँ लगाना है। तो लगा लेते हैं, ये भी ओके करते हैं प्लीज। तो जब तक इसमें मैंने स्क्रू टाइट कर दी है, नीचे प्लास्टिक का बेस लग गया है, तब तक मैं इस कार का आपको पीछे के सेल्स दिखाता हूँ, कैसे इसमें रिचार्जेबल सेल्स होते हैं। और मेरा ये वाला ब्रैकेट है, कईयों में फिक्स वाला आता है, इसमें सेल बने हुए आते हैं, तो उसकी भी चेंज करने की मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं मेरे। और इसमें आप रिचार्जेबल सेल लगाएंगे। ये हमारा इसमें आ गया है चार्जिंग जैक, इससे आपके सेल चार्ज हो जाते हैं। तो मैं आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ अभी जो मैंने स्क्रू लगा हुआ, तो इसको मैं पूरा एल्फी से बंद कर दूंगा सेल लगा के, रिचार्जेबल सेल डाल के अंदर। आप चाहें तो दूसरा सेल भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन हैं, फिर आप रिचार्ज मत कीजिएगा ध्यान से। बस अब इसमें ऊपर की बॉडी लगाएंगे हम और हमारी ये तैयार हो जाएगी बिल्कुल रेडी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ इसके रिमोट ठीक करने के लिए, तो आप स्टे ट्यून रखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। तो जैसे भी मेरी रिमोट वाली वीडियो आएगी इस कार के लिए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को, लाइक कमेंट को, आपको कोई दिक्कत हो रही कुछ आप कमेंट कीजिए, तो मैं जल्दी जल्दी हो सके जितने कमेंट्स हो पाएंगे मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। सारी पैक हो गई है, बस यहाँ पे कोका कोला के ढक्कन लगा के इसको भी ठीक कर लेंगे। मैंने इसमें सेल डाल ली है और ये रेडी। ओके गाइस।